Lag valla. Dinle bakayım. हजरत, आपने मुलाहजा किया मोहतरम कारी जियाउल हक साहब किबला को। मैं आपसे बता दूं कि कोई शायर खुद पढ़ता नहीं, कोई मुकर्रर खुद बोलता नहीं है, बल्कि आप हजरत सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से दादे तहसीन से नवाजें ताकि शायर की हौसला अफजाई हो और आपकी बेदारी का सबूत भी मिलता रहे। कहते हैं कि मल्टी मीडिया सेट वायरस के जरिए खराब होता है, लेकिन हमारे प्रोग्राम के मियार को खराब करने के लिए कुछ ऐसे शायर और नातखां पैदा हुए हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि अदब के नाम पर महफिल में चर्बी बेचने वालों, अदब के नाम पे महफिल में चर्बी बेचने वालों, अभी वो लोग जिंदा हैं जो घी पहचान लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अच्छे अच्छे शायरों को आप समाप्त करने के लिए एकदम जिंदा आप तैयार हो जाएं। दोस्तों, आइए मोहब्बत व एहतराम से इस काफिले एहतराम को हम आगे बढ़ाएं। बहुत देर से आप हजरात आराम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आपके आराम में खलल डालकर आपको जरा बेदार कर दूं ताकि ये शोरा एजाम जिस काम के लिए मशहूर है उस काम को आसानी के साथ करने के लिए तैयार हो जाएं। ख्याले तैबा मुझे बेकरार करता है। बहुत देर से आप हजरात ने सुकून ज़दा माहौल को संभाले रखा है, तो हजरात ये तसव्वुर को तोड़िए और जरा मोहब्बत से पूरा मजमा कह दे सुभान अल्लाह, ताकि एक बेहतर माहौल यहीं से शुरू हो जाए और आने वाले शायर को ये एहसास हो जाए कि मैंने आवाइली उम्री में नहीं बल्कि आलम शबाब में नबी की नात पढ़ी हो। अगर जहमत ना हो तो पूरा मजमा एक मरतबा और कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तमाम तर मोहब्बतों की आवाज़ों को अपने महबूब के दियार की जियारत नसीब अता फरमाए। ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतज़ार करता है। आने वाले शेर पर जो आशिक मुस्तफ़ा होंगे वो ज़रूर सुभान अल्लाह कहेंगे, और मैं समझ रहा हूँ कि मैं पढ़े लिखे लोगों के दरमियान अगर शेर पढ़ रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की आवाज़ बहुत दूर तक जाती है कि ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतज़ार करता है। ख्याल तैबा मुझे बेकरार करता है, नबी के हुक्म का दिल इंतज़ार करता है। और कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, अमा नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। कोई करे न करे जिक्र शाफ़े महशर, नबी का जिक्र तो परवरदिगार करता है। एक ऐसा शायर जो घर पर हो या घर की दहलीज पर, खानकाहों में हो या ट्रेन की बोगियों पर, मदारिस इस्लामिया में हो या हो मसरूफ सफर, हर जगह नातिया शार पढ़ता लिखता और गुनगुनाता हुआ नजर आता है, जिसका नाम मोहतरम बिलाल नूरी जो शहजादे हैं कारी कलीम नूरी साहब किबला के, वो हमारे दरमियान मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि आप हजरात मोहतरम माहिर निज़ामी झांसी के इस ख्याल के साथ अपने आने वाले शायर मोहतरम बिलाल नूरी का इस्तकबाल कर लें कि गुलो शबनम से मतलब कुछ नहीं है, खुशी और गम से मतलब कुछ नहीं है, पिला साकी तबीयत से तू अपनी, ज्यादा और कम से मतलब कुछ नहीं है। हेलो 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 इको डाल मेम्बरे नूर पर रौनक अफरोज, उलमाए अहले सुन्नत, शोरा इकराम, नाज़िम इजलास, सामईन इकराम, पर्दा नशीन माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं आपसे सलाम कर रहा हूँ, किसी मदरसे या मस्जिद का चंदा नहीं मांग रहा, अपनी बेदारी का सबूत देते हुए सलाम का जवाब दें, अस्सलामु अलैकुम। आइए सबसे पहले वो गोरे मुकड़े वाला जिसकी रूए जेबा के वास्ते अब्र रहमत की दुआएं मांगी जाती हैं, उसकी बारगाह में हदिया दुरूद का नजराना पेश करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदुन व अला आली सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैक या रसूलल्लाह। इसका बेस कम करके ट्रेबल बढ़ा दो और इको हल्का और कर दो। सबसे पहले अपनी गुलामी का सबूत देते हुए उसूल बरकत के लिए एक मतलब और दो शेर इमामुल कलाम कलाम उल इमाम के
आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ और आपकी बेदारी को देखूंगा कि आप हजरात कितना बेदार हैं। एक बार सारा मजमा मिलकर बोल दें सुभान अल्लाह। अपने हाथों को फिजाओं में उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। समाप्त फरमाएं हजरत। उठा दो पैदा बोलेंगे नहीं, मैं पढ़ूंगा नहीं। बोले सुभान अल्लाह। भाई कह दीजिए मैं सुभान अल्लाह की अपने बाप को शेर नहीं सुनाते। इनका नाम कारी करी पूरी है, हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है। बोल दीजिए भाई सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। उठा दो पैदा देखा दो चेहरा के नूर बारे हे जाब में है। उठा दो पैदा चेहरा के नूर बारे हिजाब में है। उठा दो पैदा दिखा दो चेहरा हिजाब में है। जमाना तारे को हो रहा है, जमाना तारे को हो रहा है के मेहर कब से नकाब में है। दो चेहरा के नूर बारे हिजाब में है। और ये शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमाए। खड़े हैं मुनकर नकीर से कोई हमें न कोई यावे। खड़े हैं मुल्के नकीर से पे न कोई कोई यावे। बता दो वाके बता दो वाके मेरे पैगंबर बता दो वाके मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत सरकारे द्वारा सामने नारे तकबीर। उठा दो पैदा दिखा दो चेहरा के नूर बारे हिजाब में
اور ایک بہت ہی پیارا شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سارا مجمع مل کر بول دے سبحان اللہ۔ خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہے بدکاریوں کے دفتر۔ حضرت خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہے بدکاریوں کے دفتر۔ خدا قہار ہے غضب پہ، کھلے ہے بدکاریوں کے دفتر۔ بچا لو باقی شفیع محشر، بچا لو باقی شفیع محشر، بچا لو باقی شفیع محشر، تمہارا بندہ پیدا، دکھا دو چہرہ کہ نور بارے ہے جا اب میں ہے۔ وقت کو دیکھتے ہوئے مجھے معلوم ہے میرے پاس بہت سے شاعر اور بہت مقرر کو آپ کو سماعت کرنا ہے، صرف ایک مطلب اور دو شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ مطلب حاضر ہے، محبتوں کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نعت سرکار پڑھتا ہوں میں، مطلب دیکھیے گا قاری صاحب، نعت سرکار کے پڑھتا ہوں میں، بس اسی نعت سے گھر میں میرے برکت ہوگی۔ بول دے سارا مجمع سبحان اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی نعت سے گھر میں میرے برکت ہوگی، اور ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی، ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ اور حضرات اب میں ایک ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ کے دلوں میں اس نبی کی محبت کا چراغ جل رہا ہوگا تو کوئی بھی بندہ یہاں سے لے کے پیچھے تک خاموش نہیں بیٹھے گا۔ ایک بار سارا مجمع مچل کر بول دے سبحان اللہ۔ حشر کا دے حشر
حشر کا دے بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. بول دے سبحان اللہ. حشر کا دے بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے تو قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے تو قیامت پہ بھی خود ایک قیامت ہوگی. اور آخری شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں. کبھی یاسین کبھی طہٰ کبھی واللیلیٰ, کبھی یاسین کبھی طہٰ کبھی واللیلیٰ. کبھی یاسین کبھی یاسین کبھی طہٰ کبھی واللیلیٰ, جس کی مدحت میرا رب کرتا ہے, جس کی مدحت میرا رب کرتا ہے. کتنی دلکش میرے محبوب کی صورت ہوگی, جس کی مدحت میرا رب کرتا ہے.